ये यादगार है कि एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और वो अपने स्लेन हॉर्स मना एक एक घोड़े के गाड़ी में बैठ के वो आता है और सबको सौगात बांटते जाता है। और ये सौगात उस क्रिसमस ट्री के नीचे रखी हुई है और बच्चे जो साल भर में अच्छा परफॉर्म करते हैं उनके लिए ये सौगात है। पर ऐसे बताते हैं कि उनकी सौगात कभी खत्म ही नहीं होती है, उनकी जो हाँ, झोली है वो कितना भी बांटते हैं पर खत्म नहीं खत्म नहीं होती है। होती। अभी इसके पीछे का राज हमको परमात्मा ने ये बताया कि उसमें दो कलर वाला ड्रेस वो पहनता है, जैसे कैप है लाल और सफेद है, तो सफेद माना एंजल फरिश्ता और लाल माना परम धाम जहां पे हम आत्माएं आते हैं। वाह, तो दो आत्माएं हैं, एक परमात्मा जो कि निराकार ज्योति स्वरूप है और साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता है। तो वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें साधारण बूढ़ा तन है ब्रह्मा, जिसके तन में परमात्मा प्रवेश करके बच्चों के लिए सौगात लेके आता है। और परमात्मा का खजाना है जो अखूट है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होने वाला, आप जितना, क्योंकि वो सागर है। जी तो वो बच्चों के लिए कौन सी सौगात लेके आया, तो स्वर्ग की सौगात, हेवन है ना। और जीसस क्राइस्ट के स्टोरी में भी बताया थे, ही इज अ सन ऑफ गॉड और ही हैज गॉट द मैसेज ऑफ गॉड, है ना, कि हेवनली फादर से वो मैसेज लेके आया है। तो यहाँ परमात्मा हमको बताते हैं कि बच्चों अभी का टाइम है, मैं आपके लिए आया हूँ। और ये क्रिसमस ट्री और कुछ नहीं है बल्कि मनुष्य सृष्टि का ट्री है। और उसमें जो फल लगे हुए हैं, आपने देखा कई जगह पे स्टार भी लगाते हैं, तो ये सब महान आत्माएं हो गए जो पूरे कल्प वृक्ष की शोभा है। अच्छा, तो तो ये जो यादगार है क्रिसमस ट्री, ये ये कल्प एक्चुअली वृक्ष कल्प समान वृक्ष है। के समान हम इसको देख सकते हैं। और इसकी जड़ में गिफ्ट्स है, तो इसकी जड़ में कौन है, परमात्मा है। ये पूरे जी कल्प वृक्ष की जड़ है वो परमात्मा है। अगर आप भगवत गीता 15 अध्याय का श्लोक देखो, पहला ऊर्ध्व मूलम अधःशाखम, तो कल्प वृक्ष का जो बीज है वो परमात्मा है। तो जो जड़ में रहते हैं परमात्मा के साथ में, वो उनको कभी सौगात, बहुत सारी सौगात मिलते जो कभी खत्म नहीं होते, वो हमेशा भरपूर रहते। तो हमको भी इस क्रिसमस के समय अपनी चेतना को इतना श्रेष्ठ बनाना है। एक वेश्या को सभी लोग पत्थर मार रहे थे कि बहुत अच्छा काम ये नहीं कर रहे, तब जीसस वहां पे आते हैं और वो गर्जना करते हैं कि इसको वही पत्थर मारेगा जिसने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया है। जी, और सभी एक लोग एक रुक करके गए। सब वहां से निकल जाते हैं और लास्ट में जीसस भी निकल जाता है। जी तो ये बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं। कि मुझे यहाँ पर भारत के संत कबीर की बात याद आ रही है कि बुरा देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। तो बहुत अच्छा मैसेज जीसस क्राइस्ट ने दुनिया को दिया कि प्यार करो, लव के ऊपर कोई नहीं, और परमात्मा प्यार का प्रतीक है। जी प्यार का सागर है हाँ, वो। प्यार का सागर है। भारत में जी गीत तो हम गाते हैं कि तू प्यार का सागर, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो परमात्मा का प्यार सबसे श्रेष्ठ प्यार है, अनकंडीशनल प्यार है, सदा साथ रहने वाला और अनेक जन्मों को आपको भरपूर करने वाला परमात्मा प्यार।